Good morning, students. Today we are going to discuss the remaining part of the short story The Happy Prince, written by Oscar Wilde, lesson number 22, page number 110. कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रिंस स्वेलो को हुक्म देता है कि मेरी एक आंख से वो स्पायर्स निकालो और उस प्ले राइटर को दे के आओ ताकि वो अपना प्ले गर्मी की वजह से पूरा कर पाए. तो अब इसको हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं. Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, उस प्रिंस को कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मैंने उसकी आंखों से कीमती पत्थर निकाला तो प्रिंस अंधा हो जाएगा. Swallow, swallow, dear little swallow, said the prince, do as I command you. तो प्रिंस उसे अबाबील को हुक्म देता है कि आप मेरा कहना मानो, मैं आपको हुक्म देता हूँ कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप करो. सो द स्वेलो प्लकड आउट द प्रिंसेस आईज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट. इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ. थ्रो दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम. तो अबाबील ने उसकी आँख से कीमती पत्थर निकाला और उड़ते हुए उस नौजवान के कमरे में पहुँचा. उसके कमरे में जाना बहुत आसान था क्योंकि उसकी छत में एक होल था. अबाबील उसी होल से होते हुए उसके कमरे में गया. द यंग मैन हैड हिज हैड ब्यूरिड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्पायर्स लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट. जब स्वेलो कमरे के अंदर गया तो नौजवान ने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसने स्वेलो के पंखों की आवाज़ नहीं सुनाई दी पड़ी. और जब नौजवान ने अपने सिर को टेबल से उठाया और उसने देखा कि उसके मुरझाए हुए पौधे के पास रखा हुआ वो नीलम वो कीमती पत्थर पड़ा हुआ मिला. आई एम बिगनिंग टू द अप्रिशिएटेड ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. वो उस मणि को देखकर चिल्लाया और कहा कि अब मेरी तारीफ हो रही है, अब लोगों को मेरे नाटक पसंद आ रहे हैं, मेरे किसी चाहने वाले ने ये भेजा है, अब मैं अपना नाटक ख़त्म कर सकता हूँ. और वो खुश नज़र आ रहा था. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो. But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. दूसरे दिन अबाबील उड़ते हुए बंदरगाह पर गया और एक बड़े से लकड़ी के पुल पर बैठा और सेलर को काम करते देख रहा था. मैं इजिप्ट जाऊँगा, स्वेलो चिल्लाने लगा, मगर किसी ने गौर नहीं की. और अब शाम हुई, चांद निकला और वह मुड़ के हैप्पी प्रिंस के पास पहुँचा. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाई, ही क्राइड. स्वेलो चिल्लाया कि मैं तुम्हें अलविदा बोलने आया हूँ. स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबील, छोटे अबाबील, प्रिंस ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते. इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाइज इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम. स्वेलो ने कहा, यहाँ सर्दी है और यहाँ जल्दी से बर्फ़ पड़ने वाली है. इजिप्ट में सूरज निकला है, पॉलम ट्रीज के पत्ते ग्रीन हैं और मगरमच्छ जो है वो मस्ती में हैं और उस मिट्टी में एक दूसरे के को देख रहे हैं और धूप में बैठे हैं. इन द स्वेलो बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग. प्रिंस ने कहा कि एक छोटी सी लड़की जो चौराहे पर खड़ी है, जो कि मैच बॉक्स बेच रही है, उसकी माचिस गटर में गिर गई हैं और वो सारी ख़राब हो चुकी हैं. उसका बाप उसे मारेगा अगर उसने उस माचिस को बेचकर पैसा घर पर नहीं लिया. और अपने बाप को वो पैसा नहीं दिया तो वो उसे मारेगा. और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और द स्टॉकिंग्स एंड हर लिटल हेड इज़ बियर प्लक आउट बाई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर.
उसके पास जूते नहीं हैं, मोज़े भी नहीं हैं, उसका सर भी ढका हुआ नहीं है। प्रिंस कहता है कि अब अभी तो मेरी दूसरी आंख से वो कीमती पत्थर निकालो और उस लड़की को दे आओ ताकि उसका बाप उसे ना मारे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो बट आई कैन नॉट प्लक आउट यूर आई यू वुडंट बी क्वाइट ब्लाइंड देन। स्वेलो ने कहा मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी आँख का कीमती पत्थर नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। प्रिंस ने अबाबील से कहा छोटे स्वेलो तुम ऐसा करो जैसा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अनदर आई एंड डॉट इट डाउन विद इट ही सूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पॉलम ऑफ हर हैंड। तो स्वेलो ने उसकी दूसरी आंख का नीलम निकाला और आहिस्ता से उड़ता हुआ उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास आया और वो कीमती पत्थर उस लड़की के हाथ में रख दिया। What's a lovely bit of glass? cried the little girl and she ran home laughing. जैसे ही उस लड़की ने उस शीशे जैसे पत्थर को देखा और वह चिल्लाई और हंसते हुए दौड़ते हुए अपने घर चली गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said. So I will stay with you always. अब swallow prince के पास आया और कहा कि तुम अंधे हो गए हो तो अब मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रुक जाता हूँ। नो लिटल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। नहीं छोटे अबाबील प्रिंस ने कहा तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नहीं अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा स्वेलो ने कहा और वो प्रिंस के पाँव के में जाके सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. अब स्वेलो शहर का चक्कर करके आया और प्रिंस के कंधों पर बैठा और उसे कहानियाँ सुनाने लगा जो उसने शहर में देखा। Dear स्वेलो डियर लिटल स्वेलो said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. Prince ने कहा कि प्यारे छोटे अबाबील तुमने मुझे बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया लेकिन सबसे अलग चीज़ है वो है इंसानों का दुख चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द। जिस दुख से वो गुज़र रहे हैं वो चीज़ अलग है। कोई भी परेशानियां बड़ी नहीं होती हैं तो मेरे शहर पे के ऊपर से उड़ो और देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज व्हाइल द बैगर वेयर सिटिंग एट द गेट्स। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। How angry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. तो स्वेलो पूरे शहर में घूमा और देखा कि अमीर आदमी जो हैं वो अपने खूबसूरत घरों में खुशियां मना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और जो गरीब भिखारी हैं वो गेट पर बैठे हैं। वो अंधेरी गलियों में उड़ा और देखा कि बच्चों के चेहरे खाना ना खाने की वजह से सफ़ेद हो चुके हैं। एक पुल के नीचे दो बच्चे को देखा जो ठंड की वजह से अपने एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कितने भूखे हैं हम। तभी वॉचमैन ने चिल्लाया और कहा कि तुम यहाँ पर लेट नहीं सकते और उन्हें बाहर निकाल दिया उस बारिश में। इस लेसन को हम नेक्स्ट के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।